किस तरह गुजरे थे हालात तुम्हें क्या मालूम, क्या थे इस दौर के हालात तुम्हें क्या मालूम। दावत फिक्र में दिन रात गुजर जाते थे, लोग मेरा ही नमक खा के मुकर जाते। फिर ही रहा मरहबा मरहबा अब्द अहमद का पढ़ा, फिर भी मैं काफिर ही रहा। मेरा ही खून गिरा, फिर भी मैं काफिर ही रहा। मेरा घर बार लुटा, फिर भी मैं काफिर ही रहा। ना अहल साहेब ईमान बने बैठे हैं, मुसलमान बता कुछ तेरा ईमान भी है। कोई बख्शिश का तेरे पास में सामान भी है। तू जो कहता है कि काफी मुझे कुरान है, इसमें ये सोच के एक सूरह इमरान भी है, पर जिसे सूरह इमरान की पहचान नहीं, पूरा कुरान भी पढ़ ले वो मुसलमान। इस्लाम को खतरा तो नहीं, आए, 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 आए। कहीं कुरान से हट कर मेरा शजरा था। मेरे होते हुए इस्लाम को खतरा तो नहीं। और फिर क्या कहते, मेरे दामन का मेरे किरदार का दामन कहीं मैला नहीं। कोई बच्चा मेरा मैदान से भाग, फिर भी तुमने मेरे ईमान की सनद मांगी है, जबकि इस्लाम ने खुद मुझसे मदद मांगी। से जो मांगा वो पिसर मेरा है, आयतें जिस पे उतरती है वो घर मेरा, पे जो बोला है वो सर मेरा, रन में असगर जो हंसा है वो हुनर मेरा। नाम इस्लाम के दामन पे रकम मेरा है, हर आजादार के हाथों में अलग से। ये तो जनाबे अबू तालिब की शान है,
अब दुनिया वालों को एक सवाल दे रहे हैं हम, हैदरी मलंग सवाल क्या दे रहे हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा। हर जगह अहमद मुरसल को बचाया किसने, सवाल है, हर जगह अहमद मुरसल को बचाया किसने, बेटों को मौत के बिस्तर पे सुलाया, बेटों को मौत के बिस्तर पे सुलाया किसने, हर जगह अहमद और अहद नबियों ने किया था वो निभाया किसने, अरब के भूखों को जी भर के में मुरसल को यूं परवान चढ़ाया किसने, ये बता अकद मोहम्मद का पढ़ाया।